देखिए, जय भारत सत्याग्रह भी सामने आ गया कि ये सत्याग्रह कम और अभिनंदन ज़्यादा हो रही, नंबर वन। नंबर दूसरा ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री गठबंधन के माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, आपके माध्यम से हमारा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से भी है कि सरकार के गठन में तीनों राजनीतिक दलों के जिन कार्यकर्ताओं ने अपना पसीना बहाया है और सरकार बनने के तुरंत बाद कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता की सेवा की है, बोर्ड और निगम के गठन में उसका मूल्यांकन जरूर होना चाहिए। और ये जरूरी है तीनों दलों के कार्यकर्ताओं के लिए कि जो लोग उस समय कहीं नहीं थे और जिन्होंने सब कुछ किया है उसकी अनदेखी अगर होगी तो यकीनन जो है कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा और विधायक और सांसद कार्यकर्ताओं के दम पर ही बनती। आज नमन बिकसल कोंगाड़ी के आंसू गठबंधन पर भारी पड़ेंगे। नमन बिकसल कोंगाड़ू NSCY का उपज है, कोई राजनीतिक घराने से विरासत में उसको नहीं मिला है। राजेश कच्छप खिजड़ी का विधायक कोई विरासत में नहीं हासिल किया है, संघर्ष का उपज है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोप मुक्त किए जाने के बाद अगर वो आदमी 2 महीने से दरबारी कर रहा है और दौड़ रहा है तो लानत है ऐसे प्रभारी के ऊपर में, लानत है ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर में। अनुशासन बहुत जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा जहां विचारों की अभिव्यक्ति का अपमान होता हो वहां डरो मत। तो ये जो हमारे विधायक अभी गढ़वा में 4 कांग्रेस के सीनियर लीडर को सस्पेंड किया गया, पाकुड़ और उधर दूसरे जिलों में कार्यकर्ताओं को सस्पेंड किया गया, आपको कहाँ बोलने की आज़ादी है भाई? आप एक चीज़ बता दीजिए कि किस प्लेटफार्म पर हम अपनी बात को रखेंगे। हम जा रहे हैं इसी महीने बापू वाटिका के पास धरना देने के लिए। अविनाश पांडे और राजेश ठाकुर जी दोनों को हटाइए पार्टी से, पदमुक्त करिए, जाएंगे बापू वाटिका के पास धरना देने के लिए कि इनका जो हर फैसला है न सिर्फ विवादित है बल्कि उस हर फैसले से कांग्रेस पार्टी नीचे जाती है। रामगढ़ के चुनाव की क्यों समीक्षा नहीं होनी चाहिए? उसके ऊपर में कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, उनके ऊपर में कोई कमीशन खोरी का आरोप नहीं लगा, ममता देवी के ऊपर में कभी कोई गलत चीज़ के आरोप नहीं लगे हैं। ममता देवी के ऊपर में संघर्ष की राजनीति करने के एवज में जेल गई, उन्हें तो प्रचंड मतों से चुनाव जीतना चाहिए था। बंधु तिर्की के चुनाव का, बेटी के चुनाव का आप सेहरा लेते हैं जबकि वहाँ कोई आपका औचित्य नहीं है, वो सीधा सीधी एक व्यक्ति के वजह से वहाँ हम चुनाव जीतते हैं, वो जहाँ भी रहेंगे वहाँ चुनाव जीत दे। लेकिन आपको रामगढ़ के चुनाव पर समीक्षा करनी चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम धरना देने जा रहे हैं, उसके बाद अगले महीने मई के पहले सप्ताह में हम जाएंगे वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पर और वहाँ धरना देंगे कि हटाइए इसको, इसके हर फैसले को इमीडिएट रोकिए, अगर एक फैसला भी इसका होता है इन लोगों दोनों का तो पार्टी टूटेगी। अब पार्टी टूट सकती है, पार्टी टूटने के कगार पर है। हम सभी लोग आपके बीच आए हैं, महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारे प्रभारी है वो इस राज्य में कांग्रेस को कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। वो सिर्फ अपनी बातों को रखते हैं, किसी कार्यकर्ता किसी नेता किसी की बातों को सुनना उनके लिए उनकी स्वाभिमान पे पड़ता है। राजस्थान में किस प्रकार इनको वहाँ से भगाया गया था, वही आदत फिर ये झारखंड में लाकर यहाँ के कांग्रेसजनों को कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। जय भारत सत्याग्रह, सत्याग्रह शब्द से ही ये प्रतीत होता है कि आप अपने आइडियोलॉजी अपने प्रिंसिपल अपने सिद्धांत जिस उद्देश्य से आपको आंदोलन कर रहे हैं वो तो हो नहीं रहा। ये जिला बाय जिला घूम रहे हैं, माला पहन रहे हैं, जय जयकार अपना करवा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को क्या फ़ायदा हो रही है? ये सवाल अविनाश पांडे जी से मैं करता हूँ कांग्रेस के हित में, और उनका प्रत्येक निर्णय और जो वर्तमान में अध्यक्ष है राजेश ठाकुर जी का,
वो सब यहाँ के लोगों के, यहाँ के जनमानस के, यहाँ के जो जलवायु है, यहाँ के जो ज्योग्राफिकल और ऐतिहासिक झारखंड है, यहाँ के लोगों के खिलाफ है। इससे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, इससे कांग्रेस कमजोर होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।